श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ये हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालनकर्ता की मृत्यु कैसे हुई? आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके राम अवतार के एकमात्र छल कपट का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 साल बाद हुई थी। 35 साल बाद द्वारका नगरी पर माता गांधारी के श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गांधारी के श्राप से प्रभाव को माप कर श्री कृष्ण द्वारिका से यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र आकर कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को कहा कि तुम लोग अब मृत्यु का इंतजार करो। प्रभास क्षेत्र में प्रवास के कुछ दिनों बाद ही महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबरू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो देखता है कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने कोई गलत काम नहीं किया है, ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए मेरे कर्मों का फल है। कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ की आड़ में छुपकर मारा था। इसीलिए मैंने इस जन्म में अपनी मृत्यु के कारण का चुनाव भी ठीक उसी प्रकार किया है। इसीलिए हे जरा, तुमने मेरे मन का काम किया है, अतः तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। जरा के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंचा। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं, अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं यक्ष किन्नर गंधर्व आदि पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने वैकुंठ धाम को लौट गए। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आपको भगवान कृष्ण के मानव शरीर छोड़ने का ये रोचक प्रसंग पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स ऐसी ही और वीडियोस के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।